नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं जेबी सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बुक्स चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी यूनिट टू सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है। आज के लिए एक ही वीडियो रह पाएगी आपकी, कल आपको कन्फर्मेशन में ही बिल्कुल दो वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। एक वीडियो आपको सुबह ही मिल जाएगी और जो दूसरी वीडियो है वो आपको शाम तक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमारे जो आज की वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले अफबाव का रूल, जो अफबाव प्रिंसिपल है इसे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा अफबाव रूल है सबसे पहले इसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसे। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि जो ये अफबाव प्रिंसिपल है इसका मीन्स क्या होता है, ठीक है। अफबाव का मीन्स होता है बुल्ड। बुल्ड को अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसका मतलब बुल्ड और मेकिंग, इसका मतलब होता है निर्माण करना या फिर बनाना, ठीक है। जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो वे एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एंटर करेंगे तो जो एनर्जी है उसके वे बढ़ते हुए ऑर्डर में एंटर करते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है, अफबाव का प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रिंसिपल की थ्योरीज। लिखा हुआ भी हमने इसमें साफ साफ यही है जो मैं भी आपको समझा रहा था। देखिएगा यहाँ से, अफबाव इज ए जर्मन वर्ड। जो अफबाव है वो क्या है, एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स इसका मतलब होता है बिल्डिंग और मेकिंग। इसका मतलब होता है बिल्डिंग और मेकिंग। बिल्डिंग और मेकिंग का मतलब अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो निर्माण करना या बनाना होता है, ठीक है। यहाँ बात करेंगे, दिस रूल वॉज गिविन बाई फ्रेंच साइंटिस्ट। इसे किसने दिया था, फ्रेंच साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम क्या था, क्लिंच विस्की। इनका नाम क्या था, क्लिंच विस्की था। इनके अकॉर्डिंग, इनके नियम के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन विल एंटर, इलेक्ट्रॉन जो एंटर करते हैं इन ऑर्डर ऑफ दीज इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो एंटर करते हैं वे अपनी ऊर्जा जो उनकी एनर्जी है उसके लेवल के बेसिस पे करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो एंटर करते हैं किसी एटम में वो अपनी एनर्जी के, एनर्जी लेवल के बेसिस पे एंटर करते हैं। जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतने ही पहले एंटर कर जाएगा और जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतने ही बाद में एंटर करेगा, ठीक है। इन ए गिवन सबसेल, एक दी हुई सेल में या फिर सबसेल में। इट मीन्स इसका मतलब होता है दैट इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विल एंटर इन डिफरेंट सेल और सब सेल की, किसी डिफरेंट सेल में या फिर सब सेल में। बात समझ में आ रही है आपको, किसी सेल में या फिर किसी डिफरेंट सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे वो एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। लिखा हुआ है इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, अपनी ऊर्जा के, अपनी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करेंगे, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। क्रम मतलब ऑर्डर, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो यहां से समझ के भी चलिएगा, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्रम से है, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ने से है, और एनर्जी का मतलब कहा से होता है, ऊर्जा से, ठीक है। तो जो एनर्जी लेवल है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करेंगे। फॉलोइंग डायग्राम इज यूज्ड टू द सजेस्ट द एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सब सेल्स। हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं किस किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। चलिए एक बार डायग्राम को भी देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम देखते हैं, ये हमने सबसे शुरू में जो इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं कि किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। अगर सेल का नंबर वन है तो दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकंड में एट रह सकते हैं, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, उससे अगले में भी 32, और उससे नेक्स्ट सेल की बात करेंगे इसमें भी 18, और सबसे लास्ट वाले में कितने रह सकते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये अभी तक का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जितने भी एटम पाए जाते हैं उन सभी में ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इससे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक जितने भी एटम पाए गए हैं किसी में भी नहीं है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। इससे सब कम वाले, अभी कोई ऐसा एलिमेंट अभी नोन नहीं है जिसका इनसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब सब सेल और हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ठीक है। तो सब सेल हमारी कुछ इस टाइप की हूँ जैसे कि मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। अब हम धीरे धीरे इनमें गोले लगा लेंगे, ठीक है। गोले अलग अलग कलर से मैंने बनाए हुए हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाएंगे। पहली वाली रो में किसे बना लेंगे, एस वाले को बना लेंगे, क्योंकि एस के जो सेल्स हैं वे बिल्कुल एंड तक जाती है। दूसरी वाली रो में पी बना लेंगे, पी की रो भी एंड तक जाती है, पहली रो से शुरू नहीं होगी। बात करेंगे डी की तो केवल इसमें चार ही इसके
सब सेल्स पाए जाते हैं 3D, 4D, 5D और 6D, ठीक है। फिर इसके बाद में F बना लेंगे, F में केवल दो ही पाए जाते हैं, 4F और 5F, कंफर्म आपको यहां से हो जाना चाहिए। S में सात के सात पाए जाते हैं, P की बात करेंगे तो छह हो जाएंगे, D की बात करेंगे तो चार हो जाएंगे, और F की बात करेंगे तो केवल दो ही रह जाएंगे। चलिए अब एक बार डायग्राम इसका क्रिएट कर लेते हैं, आपको भी सही से पता चल जाएगा कि डायग्राम इसका किस टाइप से बनेगा। सबसे पहले आपको इसी टाइप से लाइन खींच लेनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिस टाइप से मैंने आपको ये बना के दिखाई हुई है। फिर इसके बाद में एक दूसरी लाइन खींच लेंगे, ये लाइन किसी भी सब ऑर्बिटल से अटैच नहीं करनी है, खाली जानी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या काम करेंगे, इन्हें लाइन को इस टाइप से, जो हमारी व्हाइट वाली लाइन है, इन पे हम इस टाइप से एरो के चिन्ह लगा देंगे, इस टाइप से, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे वो इसी टाइप से जाएंगे, येलो वाली पे नहीं लगाना है, केवल व्हाइट वाली पे ही लगाना है, जिस टाइप से मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। चिन्ह एक दो तीन कितने भी आप इसमें लगा सकते हैं, इस टाइप से। अब इसके बाद में इन्हें मिलाना शुरू कर दीजिएगा, एक को आगे से तो दूसरे को यहाँ से, इसे पीछे से, ऐसे ही से भी मिला लीजिएगा, यहाँ से ये आगे से और ये यहाँ इसमें पीछे से, ठीक है। जब हम इन्हें जितनी भी हमारी ये लाइन्स है सभी लाइन्स को ड्रा कर लेंगे तो हमारा इसमें एक ये फिगर बन जाएगा इसका, जो हमारा अपबाउ रूल से हमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो आपको बनाने में से थोड़ी सी कठिनाई होगी। इस टाइप से आपको इसका डायग्राम दिखाई देता है। तो यहाँ जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किस में करेगा, 1s में पर करेगा, और जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किस में करेगा, 7p में। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो किसकी है, 7p की। अगर मैक्सिमम किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी तो वो 7p में एंटर कर जाएगा, ठीक है। ये बात आपको सही से समझ में आ गई। चलिए अब 1 मिनट के लिए, इसमें इसका एक फंडा और था, वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, इनमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, इनमें ऊर्जा कैसे निकालेंगे, एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो एन प्लस एल के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें भी एन प्लस एल का मान न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, वो सबसे पहले आ जाएगा, जिसमें मैक्सिमम होगा वो सबसे बाद में आएगा। अब बात करेंगे, यदि किसी में एन प्लस एल की वैल्यू सेम है तो वहां अगर हम किसी को उसमें वरीयता देंगे, ठीक है, किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे, किसी को पहले रखेंगे, या किसी की एनर्जी कम या ज्यादा की बात करेंगे, तो वहां जो सबसे पहले रखा जाएगा वो रखा जाएगा जिसमें एन प्लस एल का मान कम होगा, ठीक है। जिसका मान कम होगा वो तो हम पहले रख देंगे, और जिसमें एन प्लस एल का मान ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उसे कहाँ रख देंगे हम, बाद में। अब बात करेंगे उनकी, जिसमें एन प्लस एल दोनों के कैसे हो, इक्वल हो, एन प्लस एल इक्वल टू दोनों के लिए क्या आ रहा हो, एन प्लस एल। तो प्यारे बच्चों, इसमें एनर्जी उसकी अधिक होगी जिसमें एन का मान ज्यादा होगा, जिसमें एन का मान मैक्सिमम होगा उसकी एनर्जी अधिक होगी, और जिसमें एन का मान कम होगा उसकी एनर्जी कैसी होगी, लो होगी, कम होगी उसकी, ठीक है। चाहो तो इसमें हम निकाल के भी देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के लिए एनर्जी हम निकाल के देखने वाले हैं, यही देखेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल की, किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन इनमें एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो किस में पहुंचेगा, 1s में, फिर इसके बाद में 2s में, और सबसे बाद में किस में पहुंचता है, 7p में। अगर आपको यहाँ कुछ इन्हें बनाने में दिक्कत है तो बेटा ये बनाना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ये इस टाइप से बने हुए हैं, आप क्रम देखते चले जाइएगा। सबसे पहले 1s, 1s के बाद में 2s, 2s के बाद में 2p, फिर 3s, फिर 3p, 3s के बाद में 4s, सॉरी 3p के बाद में 4s, फिर इसके बाद में 3d, 4p, 5s, इस टाइप से हम इन्हें बनाते हुए चले जाएंगे। फिर बात करेंगे किसकी, जिसकी हम अभी कर रहे थे, n प्लस एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बेटा जो n होता है, n इक्वल टू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, n इक्वल टू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर। हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, एल की, और एल क्या होता है, ये होता है एजीम्यूथल, एजीम्यूथल एल है बेटा ये, सॉरी, म्यूथल क्वांटम नंबर। बात करें हिंदी में तो ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, और ये हमारी
दीर्घंशी क्वांटम संख्या है, हिंदी में बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, जो एन की वैल्यू है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सेल पे, नंबर ऑफ सेल पर। जो एन की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ सेल पे, याद रखिएगा ठीक है, किस पे, नंबर ऑफ सेल पे। बात करेंगे किसकी, एल की। तो जो एल की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, जो हमारे सब ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि एस, जैसे कि पी, जैसे कि डी, जैसे कि एफ, इन पे। एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है, और एफ के लिए कितना है, 3 है, ठीक है। इस टाइप से इनकी वैल्यू ये है, जिस टाइप से मैंने आपके यहाँ बना के दिखाए हैं। चलिएगा, अब 1 मिनट, एन प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एस के लिए निकाल लीजिएगा, एस के लिए कितनी होगी, ठीक है। जब मैं यहाँ एस के लिए निकाल लूंगा वैल्यू, तो एस के लिए कैसे निकालनी पड़ेगी, 1s हमने लिख दिया। अब 1s के लिए एल की वैल्यू कितनी है, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है, 0, और यहीं पर एन की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब एन प्लस एल इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ये 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसे रख दिया, सबसे पहले हमने किसे रख दिया है, 1s को। बात करेंगे 2s की, तो 2s के लिए निकाल लीजिएगा। जब हम 2s के लिए निकाल लेंगे तो n प्लस एल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। ये जस्ट इसके बाद में आ गया। अब 2p इसके बाद क्यों आया, 2s के, तो इसके लिए आप n प्लस एल की वैल्यू निकाल लेंगे। बात करेंगे इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है, और l की वैल्यू कितनी है, 1, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। तो ये बाद में जाना ही जाना था। अब बात करेंगे 3s की। अब 3s के लिए जैसे ही हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 3s के लिए एन प्लस एल का मान कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। अब देखिएगा, दोनों के लिए एन प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 3 है, मगर हमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो अपना पकड़ना है, क्या कि पहले कौन सा आएगा, पहले वह आएगा जिसमें एन की वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम, और सॉरी बाद में वो आएगा जिसमें एन की वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम, और पहले कौन आएगा जिसमें एन की वैल्यू कैसी होगी कम। इसका मतलब ये है कि जिसमें एन की वैल्यू कम है उसकी ऊर्जा भी कम है, और जिसकी जिसमें एन की वैल्यू ज्यादा है उसकी ऊर्जा भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ 2s पे 2p पहले, 2p पहले आएगा और 3s कहाँ आएगा, इसके बाद में। इसी टाइप से हमने ये बनाया हुआ है। अब अगर चाहें तो आप इसे इस टाइप से भी समझ सकते हैं, क्या इसके लिए आप टेबल भी बना सकते हैं। टेबल कैसे बनती है, टेबल ऐसे बनती है एन प्लस एल। तो एन प्लस एल के लिए हम वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और जस्ट इसके साथ में ही हम यहाँ इसमें ऑर्बिटल्स भी रख देते, ठीक है। यहाँ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में 1 में कौन आएगा भाई, 1 में कौन आएगा, 1 में आएगा 1s, 2 में कौन आएगा, 2 में आएगा 2s, तो 3 में कौन आएगा, अगर हम बात करेंगे किसकी, 3 की, तो 3 में आएगा 3s, सॉरी हाँ 3s ही आएगा, और 3s से पहले कौन आएगा इसमें, 2p। एक बार इसे एक बार रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें, सबसे पहले इसमें आएगा 2p, ठीक है, सबसे पहले आएगा 2p। अभी हम वैल्यू निकाल रहे थे, इसके बाद में कौन आएगा, 3s आएगा। 4 वैल्यू किसकी होगी, 4 वैल्यू होगी किसकी, 4s की, और 3d की निकाल देंगे तो बेटा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे किसकी, 4s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी या नहीं आएगी देख के निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो जो 4s की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, हाँ 4 ही आ जाएगी। अब 4s से पहले कोई आएगा या नहीं, ठीक है, 4s से पहले भी आएगा। एक बार इसका क्रम देखिएगा, इसमें शायद 3p मिसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें, 3p, और 3p के बाद में कौन आएगा, 4s। तो यहाँ इसमें एक और वर्ड आएगा, वो वर्ड इसमें आएगा कौन सा, इस टाइप से लगा के 3p, ये ठीक है। फिर इसके बाद में 3p चाहिए तो हम इसे बैक वाली स्लाइड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। पहले कौन आएगा, 3p, उसके बाद में कौन आएगा, 4s, ठीक है। ये इसमें छुटा हुआ है, मिसिंग है, आप सही कर लीजिएगा, ये हमारी यहाँ गलती हुई है इसमें, ठीक है। और ऑर्डर का क्रम सही से देख के इसमें लिख लेंगे, ठीक। इसी प्रकार से एन प्लस एल की वैल्यू 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, 7 के लिए भी, और 8 के लिए भी हम यहाँ से इसमें से निकाल लेंगे। ये काम आपका है, ये आपको निकाल के देखना है, और ये टेबल भी आपको इसी के नीचे यहीं बना के शो करनी है, ठीक है। जो नोट्स आपको दिखाई देते हैं स्लाइड में, ये इसी टाइप के नोट्स आपको बनाने भी हैं, अपने एग्जाम में भी आपको रूल में सेम इसी टाइप से लिखना है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे।
बात करेंगे किसकी, इम्पोर्टेंस की या सिग्निफिकेंस की, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपबाव की इम्पोर्टेंस है उसे पढ़ेंगे। आपबाव प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जो आपबाव का प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस है किस पे, एनर्जी पे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे। किसी की एनर्जी कम होगी तो वो पहले एंटर करेगा, और किसी की एनर्जी ज्यादा होगी तो वो बाद में एंटर करेगा। एंड इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में भी यूज है, फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के एंड आयन, और आयन के। और हम क्या काम कर सकते हैं, जो हमारे पास में आपबाव का प्रिंसिपल है, इससे हम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, उसके जो सब ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी, ठीक है, नोन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, किससे, आपबाव के प्रिंसिपल से। अब हमने इसके यहाँ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें इससे 7N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, 1s2, 2s2, 2p3। ये कैसे लिख दिया हमने, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कुल कितनी है, 7 है। अब हमने वहां पढ़ा था 1s लेस देन 2s लेस देन 2p, हमने इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करे, हमें पता है s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, 2, p में कितने भर सकते हैं, 6, 6 से ज्यादा नहीं भर सकते, 6 से कम भर सकते हैं, जितने की आवश्यकता होगी उतने इलेक्ट्रॉन हम पी में भर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमने इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करें, 1s में कितना आ जाएंगे, 2, 2s में कितना आ जाएंगे, 2, और 2p में जो बचे हुए हैं वे इलेक्ट्रॉन हमें भरने होंगे, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो यहाँ पी में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, 3 भर दिए हैं, 3 भर दिए हैं। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आ जाएगा किसका, नाइट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से सल्फर का निकालेंगे, इसी प्रकार से आयरन का भी निकाल लेंगे, जो ऑर्डर हमने शुरू में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला, उसी ऑर्डर को हम बनाएंगे। शर्त यह है बस, वहां आपने ग्रेटर देन लेस देन का, सॉरी लेस देन का चिन्ह लगाए हुए थे, इस बार आपको कोमा लगा के लिखना है। ठीक है, यहाँ इसमें कोमा लग जाएगा, 1s2, 2s2, 2p3, इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में बात करेंगे इसके अगले पॉइंट की। तो यहाँ हमारे पास में यट्रियम वाई और पोटेशियम के, इनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने यहाँ शो करे हुए हैं, तो इनके भी आप यहाँ से देख के सही से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। एनायंस के भी लिख सकते हैं, एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज वाले आयंस, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, फ्लोरीन का। अब अगर आपको लिखने में समस्या है, जैसे कि हमने यहाँ एक माइनस लगाया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9, मगर माइनस आने के बाद में क्या होगा, जैसे ही किसी भी एटम पे माइनस लगा देंगे आप, तो एनायन तो बन ही जाएगा, उस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से समझेगा, मैंने लिखा Na और यहां मैंने लिख दिया 11, तो इसका मतलब Na में 11 प्रोटॉन है और 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, मगर मैंने इस पे लगा दिया एक प्लस, तो एक प्लस का मतलब ये है कि एक प्लस लगातों के साथ ही इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो चला गया है। ठीक है, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 10। अब मैं यहां अगर Na प्लस का लिखूंगा, इसे यहां से हटाइएगा, तो कितना लिखना पड़ेगा मुझे, इसमें लिखने पड़ेंगे 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से मुझे इसमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, और अगर किसी कारणवश प्लस आएगा तो प्लस आने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, और माइनस आने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, किसी को भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑक्सीजन 2, 8, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 10 हो गए हैं, तो देखिएगा 1, 2, 3, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्यों, क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन ही है, हर किसी में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 10 है, तो हम इसे हर किसी को एक जैसा ही करके लिख सकते हैं। Cl- में कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। पी अगर P3 माइनस की बात करेंगे तो कितना इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है, और -3 आते के साथ इसमें भी कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इन तीनों में भी कितने हैं, 1, 2, 3, इनमें भी 18 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी इनका सेम हो जाएगा। ये हमने कुछ कैटायन के लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ सबसे शुरू में हमने कौन लिखा हुआ है, Mn लिखा हुआ है, ये हमारा एटम है। ठीक है, एटम वो होता है, ठीक है, एटम पे एटम वो होता है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आ गया आपको Fe, तो अब मैं क्या कह दूंगा इसे, मैं इसे एटम बोल दूंगा, मगर मुझे यहाँ लिखा हुआ आगा Fe2+, तो मैं इसे तुरंत ही क्या बोल दूंगा, आयन बोल दूंगा। क्यों, क्योंकि जिन पे माइनस प्लस का चार्ज होगा भी हमारे क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमने पहले Mn का लिखा, कुछ
कुछ इस टाइप से लिख दिया। फिर Mn2+ का लिखा, तो जो इसकी सबसे लास्ट की शेल होगी, जो सबसे बाहर की शेल होगी, उसमें से इसके दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पे कितना चार्ज आएगा यहाँ से +2 का, तो इलेक्ट्रॉन किसके जाएंगे? 4s के जाएंगे। 4s के क्यों जाएंगे? क्योंकि सबसे लास्ट की शेल यही है। अब कभी कभी हम सोचना शुरू कर देते हैं, क्यों? क्योंकि जो 4s है उसका जो एनर्जी लेवल है वो कैसा है? कम है। किससे? 3d से। ठीक है, 3d से कम है। मगर याद रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन फोर्स के कारण जो 4s और 3d होते हैं, जो 4s और 3d होते हैं, इनकी एनर्जी लगभग कैसी हो जाती है? बराबर हो जाती है। और सबसे बाहर की जो लास्ट की शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? 4s के। तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले जाएंगे वो 4s के ही चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको भरने में समस्या आ रही है, तो आप आपबाऊ का जो नियम है आपको बनाइएगा, या उसका ऑर्डर याद रखिएगा, और इन इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू कर दीजिएगा। एस में दो भरने हैं, जहां भी आपको एस दिखाई जाएगा, पी में 6 भरने हैं, एस में दो भरने हैं, पी में 6, और डी में आप 10 भर सकते हैं। जितने की आवश्यकता होगी उतने इलेक्ट्रॉन हमें डी में, एस में, पी में भरने हैं, उसी अकॉर्डिंग से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी और दिन में आपको लिखना इसमें सिखा दूंगा। चलिएगा, एक बार Ti और Ti2+ का दिखा रखा है, तो इसमें से भी जो हमारे पास में 4s है, इसके दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बाकी सेम रहेगा। बात करेंगे Fe की, Fe2+ की, Fe3+ की। 2+ होगा तो दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, किसके? 4s के, ये हट जाएगा इसमें से। अगर Fe3+ इसमें आता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से D का भी चला जाएगा, बाकी सब इसमें से कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपको इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।